हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं असित मोदी वर्सेज जेनिफर मिस्त्री की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइज, असित मोदी गिल्टी प्रूव हो चुके हैं और जेनिफर मिस्त्री को इवन 25 लाख के अराउंड की कंपनसेशन भी मिल रही है, यानी कि उनके जो बचे हुए पेमेंट के ड्यूज थे वो भी मिल रहे हैं और हेरासमेंट के कारण 5 लाख की अलग कंपनसेशन वो भी मिल रही है। ये सब मिलने के बाद भी जेनिफर मिस्त्री ये वर्डिक्ट के साथ कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हैं और किसी हद तक डिसअपॉइंटेड हैं। तो गाइज, आइए जान लेते हैं कि जेनिफर मिस्त्री इवन ये केस जीत जाने के बाद क्यों आखिर डिसअपॉइंटेड हैं इस डिसीजन के साथ। तो गाइज़, वो इसलिए डिसअपॉइंटेड है बिकॉज वो कहती हैं कि असित मोदी गिल्टी फाउंड हुए, गिल्टी प्रूव हुए, लेकिन स्टिल उनको कोई पनिशमेंट नहीं दी गई, सिर्फ कंपनसेशन उनसे ली गई है 5 लाख की। और दूसरी ओर सोहेल रमानी और जतिन बजाज, जो कि शो की प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी सिमिलर ऑफेंसेस किए हैं और उनके भी नाम थे जेनिफर मिस्त्री के एलिगेशंस में, लेकिन उनको इंक्लूड नहीं करा गया है वर्डिक्ट में, सिर्फ असित मोदी को ही इंक्लूड करा गया है। एक और चीज़ से वो सेटिस्फाइड नहीं है कि ये वर्डिक्ट से मिस्टर मोदी यानी कि असित मोदी, सोहेल और जतिन, इनसे माफ़ी भी नहीं मंगवाने का कोई ऑर्डर दिया गया है, यानी कि ये तीनों अपोलोजाइज भी नहीं करेंगे जेनिफर मिस्त्री को, जबकि उन्होंने इतना अब्यूज़ करा है उनको इस वर्क पे। और दूसरी ओर वो ये भी कहती हैं कि जो कंपनसेशन है वो काफ़ी छोटी है और इस करके दूसरे जो लोग हैं जो इसी इंडस्ट्री में, इतनी छोटी कंपनसेशन देना उनके लिए काफ़ी ईजी रहता है, तो वो सिमिलर क्राइम्स कर सकते हैं। तो आप ध्यान में रखिए कि 5 लाख की ही हेरेसमेंट वाली कंपनसेशन है, बाकी के जो 20 लाख हैं वो तो पेमेंट पेंडिंग ड्यूज वगैरह वो सब कारण है, बाकी हेरेसमेंट के कारण जो है 5 लाख ही असित मोदी दे रहे हैं। और इतने ज़्यादा बड़े प्रोड्यूसर्स के लिए 5 लाख कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। जो कंपनसेशन है हेरेसमेंट की डेफिनेटली बढ़नी चाहिए और इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि इवन बड़े बड़े नाम भी हैं जो इंडस्ट्री में, वो भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें और डरें इस चीज़ से। जेनिफर मिस्त्री बहुत ज़्यादा टाइम से ट्राई करती आ रही हैं कि उनको जस्टिस मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ पुलिस वाली जो हैं वो अनकोऑपरेटिव रही हैं, ज़्यादातर उनके साथ कोऑपरेट नहीं करा। बहुत बार वो पुलिस स्टेशन जाती थी अपने हस्बैंड के साथ, अपनी 10 साल की बेटी को घर पे अकेला छोड़कर, लेकिन हाँ फाइनली उन्होंने जब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से हेल्प ली तो उन्हें हेल्प मिली और असित मोदी प्रूव हुए गिल्टी और फिर इनको कंपनसेशन भी मिली। लेकिन हाँ, इनका मेन पॉइंट यही है कि कंपनसेशन ज़्यादा नहीं है और जो बाकी के 2 नाम हैं उनके साथ कुछ भी नहीं किया गया है, उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जो कि जतिन बजाज और सोहेल रमानी है। जतिन बजाज को तो आप सीरियल में एज एन एक्टर भी देख ही चुके हैं, वैसे सोहेल रमानी शो के प्रोजेक्ट हेड हैं और जतिन बजाज शो के एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर हैं। तो गाइस, कमेंट्स में बताइए आप क्या इस पर क्या कहना है, और सारी अपकमिंग तारक मेहता की न्यूज़ और इसी कंट्रोवर्सी पे सारे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि आप कोई खबर मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।